नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। आज जिस कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनके बारे में खास बात यह है कि आप रियलिटी शोज की बात करें, आप फोक संगीत की बात करें, सूफी संगीत की बात करें या गजलों की बात करें, हर जगह है उनका समान अधिकार। और मैं बेहद विनम्रता से आमंत्रित कर रहा हूँ बेहद गुनी बेहद युवा मिरांदे शाह को। थैंक यू सो मच मिरांदे। हम अपने इंटरव्यू की शुरुआत हमेशा से एक रवायत रही है कि किसी भक्ति संगीत की रचना से शुरू करते हैं और उसके बाद कलाकार से बातचीत करते हैं, उसकी जिंदगी को समझते हैं, उसके सफर को जानते हैं। तो आपसे भी यही गुजारिश होगी कि पहले कोई भजन और उसके बाद बातचीत। जी ऑफ कोर्स, पहले शुरुआत भजन से ही करेंगे रवायत के हिसाब से। ये भजन जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने अपने गुरु श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती जी से सीखा है। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये। हमारो प्रणाम माँ के बिहारी को, हमारो प्रणाम। माँ के बिहारी को हमारो तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलकारी को अधर मधु मगन भाई मेरा, यहाँ छवि देखन मगन भाई मेरा, मोहन गिरिवार धारी को हमारो हमारो प्रणाम। माँ के बिहारी को हमारो प्रणाम। मिरांदे, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जब कोई इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है कि आप सूफी हो, उसके अलावा भजन हो, उसके अलावा गजलें हो, उसके अलावा फोक हो, रियलिटी शोज हो, ये जो एक एक वर्सटाइल सिंगर की जो इमेज बन रही है आपकी बहुत मजबूती से प्रोमिनेंटली, इस पर जो आपको लोग जब आपकी तारीफ करते हैं, वाहवाही करते हैं, तो कैसा फील होता है अंदर से? और अच्छा ही लगता होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या जिम्मेदारी बढ़ती है? जी ऑफकोर्स शिवेंद्र जी, जिम्मेदारी तो है, क्योंकि चाहे वो ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, फोक, गजलें, सूफी, कोई भी प्रकार का म्यूज़िक हो, दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िकल जॉनरस, बट हर एक का एक अलग न्यूआंस है, हर एक का एक अलग वॉइस थ्रो है, हर एक की इम्प्रोवाइजेशन स्टाइल अलग है, छोटी छोटी इंट्रिकसीज, ऑर्नामेंटेशंस अलग हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ के गाना बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर जॉनर दैट यू आर सिंगिंग।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक चाह भी है कि हर एक प्रकार का हिंदुस्तानी संगीत गाना है मुझे. और सो या इट्स डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द विल. मिरांडा, आपके बचपन में चलते हैं और शुरुआत करते हैं आपके गुरुओं से. तो दो चीजें मैंने पाई हैं हमेशा जब किसी कलाकार के सफर को जानने की कोशिश की है, कि एक तो वो शुरुआती गुरु होते हैं जो बेसिक चीजें सिखाते हैं और आपके आपके अंदर एक संयम पैदा करते हैं, एक संस्कार पैदा करते हैं, और फिर कलाकार उसके बाद की शिक्षा के लिए और आगे जाता है. तो आपके जो शुरुआती गुरु रहे, आपके संगीत सफर के जो शुरुआती गुरु रहे, चाहे वो नयन जी हों चाहे वो अनिकेत जी हों, उनके बारे में थोड़ा बताइए. जी डेफिनेटली, मेरे शुरुआती गुरु श्री नयन पंचाल और श्री अनिकेत खांडेकर, दोनों से ही मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत जुड़ी हुई हूँ. एंड एक होता ना, जैसे एज यू राइटली सेड कि उन्होंने मेरा फाउंडेशन बनाया है. मैं कुछ नहीं जानती थी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, एंड दे वर द वंस हु शोड मी द लाइट एज टू व्हाट इज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कैसे गाया जाता है, क्या होता है उसमें, तो राग क्या है, रागदारी क्या है, ये सब समझ मेरी जो फाउंडेशंस माय बेसिक्स वर गिवन बाय देम. और यू नो आई एम सो ब्लेस्ड कि बोथ ऑफ देम वर एक्सट्रीमली पेशेंट विथ मी एज टीचर्स एंड गुरुज. एंड मैंने काफ़ी बार, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नयन सर से तो यू नो थोड़ा सा यू नो आई हैव रियली टेस्टेड हिज पेशेंस, बिकॉज मैं तब स्विमिंग करती थी, आई वॉज नेशनल लेवल स्विमर, तो बहुत रिगरस रूटीन रहता था मेरा तब. और म्यूजिक क्लास वॉज मोर लाइक एक्स्ट्रा एक्टिविटी, यू नो, तो ऐसा लगता था कि म्यूजिक क्लास को जल्दी से ख़त्म करके स्विमिंग के लिए भाग जाऊँ. सो ही वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पेशेंट विथ मी, आई वॉज ऑफकोर्स वेरी यंग बैक देन. एंड उसके बाद तो उनका बड़प्पन ये है कि एक समय के बाद उन्होंने ही मुझे श्री अनिकेत खांडेकर जी के पास भेजा, ये कह के कि अब तुम्हें थोड़ा सा एडवांस लेवल का म्यूजिक सीखने की ज़रूरत है. सो ही वॉज द वन हु गाइडेड मी टू मूव फॉरवर्ड. एंड अनिकेत सर से मैंने मेरा विशारद म्यूजिक का डिग्री लिया, और मतलब मैंने विशारद कंप्लीट किया उनके साथ. अच्छा, आपने गंधर्व महाविद्यालय से भी शिक्षा ली है, तो इसका मकसद क्या था? दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये लगा हो कि अगर संगीत में हमें प्रोफेशनल करियर बनाना है तो कुछ डिग्री की जरूरत है, डिग्री शब्द मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है यहाँ पर, और या फिर आपको लगा कि नहीं, गंधर्व महाविद्यालय से जुड़कर आपको नया कुछ जानने को मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा, क्या सोच थी उसके पीछे की? गंधर्व महाविद्यालय से जुड़ने का मकसद मेरा एक्चुअली डिग्री कभी नहीं था. मुझे, माय मदर इज संगीत विशारद, तो उन्होंने जब ये सीखा था परंपरागत म्यूजिक, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये म्यूजिक सीखने से, ये एग्जाम्स देने से, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट यू नो द थियोरी ऑफ म्यूजिक, और राग की पकड़ क्या है, राग का गायन समय क्या है, राग का वादी संवादी स्वर क्या है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो यू नो थियोरी में आती है, म्यूजिक थियोरी में आती, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक थियोरी में आती है, वो आपको इन एग्जाम्स को देने से ज़्यादा समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा, एक प्रॉपर सिलेबस होगा जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा. सो आई थिंक दैट वाज मोर ऑफ इंटेंशन टू गो इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर ऑफ लर्निंग रादर देन गेटिंग द डिग्री एंड यू नो फॉर अ पर्पस ऑफ जॉब इन द फ्यूचर. मतलब वो कभी मेरा इंटेंशन नहीं था और अभी भी नहीं है, बिकॉज आई थिंक आई एन्जॉय परफॉर्मिंग, आई एन्जॉय सिंगिंग ऑन स्टेज मोर. सो मिरांडा, आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो जो बहुत बड़े नाम हैं, पंडित अजय पोहनकर जी और उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, इन दोनों से भी तालीम ली है. उस तालीम की क्या खास बातें थीं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, जो आपको लगा कि हाँ, ये बड़े गुरु से सीखने का जो एक अलग अनुभव होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में बताइए. जी बिल्कुल, कोइंसिडेंटली पंडित जी और उस्ताद जी दोनों मेरे लाइफ में एक ही समय पे आए, और पंडित जी से मैं ठुमरियाँ और रागदारी सीख रही थी, और उस्ताद जी से गज़लें और सूफ़ी म्यूज़िक की तालीम ले रही थी. हालांकि उनसे
बहुत लंबा सीखने को नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. पर बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा है लर्निंग फ्रॉम बोथ ऑफ देम. बिकॉज एक होता है कि यू नो गुरु आपको सिखा रहे हैं, और एक होता है कि गुरु आपके संगीत को समझ कर आपको सिखा रहे हैं. तो विथ देम, बोथ ऑफ देम अंडरस्टूड माई म्यूजिक, मेरा वॉइस, मैं, मेरी गले की फिरत को समझ के उन्होंने मुझे गाना सिखाया है. एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी. और एक होता है ना कि आप दूध तो ऑलरेडी हो, आपका फाउंडेशन, आपके बेसिक्स क्लियर है, आपने वो पढ़ाई की है, बट उसमें जो मलाई डालने का काम है वो ऐसे दिग्गज गुरुओं का ही मतलब कमाल है. दे गिव यू दैट फिनिश, एक यू नो दे सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड. आपके गाने को वो एक नीश, सिल्वर लाइनिंग देना जानते हैं. सो आई थिंक दैट हैज़ बीन द मोस्ट इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस लर्निंग विद दीज बोथ लेजेंडरी गुरुज, कि मेरे म्यूजिक को उन्होंने काफ़ी निखारा है. आगे बढ़ने से पहले मिरांदे यही गुजारिश करेंगे कि कोई ठुमरी हो जाए, क्योंकि फोक का जिक्र भी किया था हमने, और अजय पोहनकर जी या इकबाल जी, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब से जो आपने सीखा है, उसमें से कोई चीज़ खास जो फोक से जुड़ी हुई हो, ठुमरी से जुड़ी हुई हो, या जो भी आपकी इच्छा करे. जी ज़रूर. मैं एक बहुत ब्यूटीफुल ठुमरी गाना चाहूँगी, जो कि मैंने पंडित अजय पोहनकर जी से सीखी है. नैना मोरे तरस गए, का जिक्र किया था मैंने. और आपने कौशिकी जी से भी संगीत की तालीम ली है. कौशिकी खुद एक बेहतरीन कलाकार हैं. उनके पिता मतलब पंडित अजय चक्रवर्ती पटियाला घराने के दिग्गज कलाकारों में हैं, विश्वविख्यात कलाकारों में हैं. कौशिकी जी से जुड़ना
संगीत को किस तरह से नए सिरे से परिभाषित करता है, क्योंकि वो तमाम तरह के खालिस गायकी जो है, शुद्ध गायकी जो है, परंपरागत गायकी जो है, उसके अलावा वो तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करती हैं। आपने उनसे क्या कुछ नया, क्या कुछ अलग सीखा है? जी बिल्कुल, कौशिकी जी से पहले तो जुड़ना ही ये बहुत बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य था कि वो, हालांकि ज़्यादातर सिखाती नहीं है बहुत लोगों को, बट मुझे ये मौका मिला और उन्होंने मुझे समय दिया। मैं बकायदा कलकत्ता जाके परंपरागत उनसे तालीम ली हूँ और मैंने सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सीखा है उनसे, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी को जीने के बारे में भी सीखी है। हाउ म्यूज़िक इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये सीखा है मैंने उनसे। और जब एक गुरु आपको अपने घर में शरण दे और आपको उनके रहन सहन को देखने का मौका मिले, तो ये बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग है। सो आई लर्नड नॉट जस्ट म्यूज़िक फ्रॉम हर, बट म्यूज़िक एज अ वे ऑफ लाइफ। एंड उन, एज यू राइटली सेड, कि वो सिर्फ प्योर क्लासिकल म्यूज़िक ही नहीं बल्कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक भी करती हैं। और इसी दौरान जब मैं उनसे सीख रही थी कलकत्ते में, एक बहुत ही अनोखा और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट उन्होंने किया था विच वॉज कॉल्ड रागाज एंड ब्लॉसम्स। तो उस दौरान मैं उनके साथ थी, उनके पूरे स्केड्यूल में आई वॉज विथ हर लर्निंग एंड हेल्पिंग एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा, नॉट जस्ट अबाउट म्यूजिक एज हाउ टू एक्सपेरिमेंट विथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बट ऑल्सो ऐसे बड़े प्रोग्राम्स और इवेंट्स को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कितनी कितनी चीज़ें इनके पीछे लगती हैं, हाउ मच एफर्ट यू नीड इन ऑर्डर टू मेक दिस हैपन, सच अ इवेंट एंड सच अ कोलैबोरेशन एंड एक्सपेरिमेंट हैपन। सो आई थिंक ये पूरा जो प्रोसेस था मेरा उनके साथ रह के, जो मैंने ये सीखा, बहुत ही इनरिचिंग था, बहुत सिखाया उसने, उस चीज़ ने मुझे, उस प्रोसेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और इसके साथ साथ जब मैं उनके पास सीख रही थी कलकत्ते में, तो उनके एल्बम की भी तैयारी चल रही थी, कारवा जो उनका एल्बम आया था, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक के अलग अलग प्रकार को एक बहुत न्यू एज साउंडस्केप दे के तैयार किया था। तो वो एक जो प्रोसेस था इन टर्म्स ऑफ हाउ टू अगेन डिज़ाइन दीज थिंग्स, कि जहाँ पे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का एसेंस ना चला जाए और आप उसको नए जनरेशन तक भी पहुँचा सके। तो ये जो एक डिज़ाइनिंग है ऑफ म्यूज़िक वेयर ट्रेडिशंस आर नॉट डिस्टर्ब्ड एंड येट द न्यूअर ऑडियंस कैन एन्जॉय इट, ये मैंने उनसे बहुत अच्छे से सीखा और ऑब्जर्व किया। आई वुड से मेरांदे कोई कुछ गजलों का गुलदस्ता हो जाए, कुछ आपके जो पसंदीदा गजल गायक हों उनके, उनकी गजलों की कुछ कुछ लाइनें अगर आप हमें सुनाएं तो। मैं अपनी कुछ पसंदीदा गजलें आपको सुनाना चाहूँगी। मैं मेहदी हसन खान साहब को, गुलाम अली खान साहब को, बेगम अख्तर जी को, जगजीत जी को, हरिहरन जी को बहुत सुनती हूँ, तो उन्हीं की कुछ गजलें अभी प्रेजेंटिंग। अजनबी
जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के नयाद हो, वो जो हम में तुम में करार था, याद हो वही यानी वादा, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो के नयाद हो, वो जो बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी, बात करनी। मिरांदे, अभी आप बिल्कुल यंग हैं, बहुत लंबा एक अच्छा बड़ा करियर आपके सामने है, और मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि अवार्ड्स को के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो ये जब अवार्ड्स के मिलने का सिलसिला शुरू होता है तो कई सारे सपने भी जगते हैं, क्या हैं आपके सपने? जी, अवार्ड्स जब मिलते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके काम की सराहना हो रही है, आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है, यू आर गेटिंग द क्रेडिट एंड द क्रेडिबिलिटी बोथ, तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है जब आपको यू नो अवार्ड्स देते हैं या आपको अप्रिशिएट करते हैं। बट जो मेरा सपना है वो एक तो ये है कि मेरा जो गॉड गिफ्ट है, माय म्यूजिक, माय वॉइस, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि आप जब गाती हैं तो हमारे दिल को छूता है, तो ये जो कुछ लम्हे का कनेक्शन मैं उनके साथ बनाती हूँ मेरे म्यूज़िक के थ्रू, वो मैं ज़्यादा लोगों के साथ कर पाऊँ, और भले ही वो चंद मिनटों के लिए या चंद लम्हों के लिए हो, बट मैं उनके दिल में या उनके जहन में एक छाप छोड़ के जाऊँ और उनके दिल को थोड़ा सा सुकून दे जाऊँ, तो ये एक सपना है। और दूसरा सपना ये भी है कि मेरा जो कनेक्शन है म्यूज़िक के साथ, जब मैं गाना गाती हूँ तो वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में एक डिविनिटी का आभास होता है, यू नो इट्स नॉट लाइक कॉन्स्टेंट फीलिंग कि आप पूरा टाइम जब गा रहे हो तब आपको वो कनेक्शन फील होता है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कभी कभी होता है कि यू बिकम द म्यूजिक, आपके थ्रू म्यूजिक हो रहा है और आप मैं नहीं रहता, वो आई जस्ट डिजॉल्व इन म्यूजिक। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एवरी म्यूजिशियन और सिंगर ट्राइज टू अचीव, आर्टिस्ट आई वुड से, नॉट जस्ट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स बट एवरी आर्टिस्ट ट्राइज टू अचीव दैट डिविनिटी थ्रू देयर क्राफ्ट। So that's also one of my dreams, कि वो जो divinity का connection है वो मैं कुछ लम्हों से थोड़ा सा लंबा करके ज्यादा उसको जी सकूं। सूफी का एक पक्ष रह गया है अभी आपकी गायकी का, तो मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ ऐसा सुनाए सूफी संगीत से जुड़ा हुआ जो आपको अच्छा लगता हो। जी बिल्कुल, एक पंजाबी सूफी गाना है जो कि मैं आपको सुनाना चाहूंगी। काका सब तन खाइयो मोर चुन चुन खइयो मांस, काका सब तन खाइयो मोर चुन चुन खइयो मांस, दोने नामत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस, नी मैं जाना 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 जाना जोगी दे नाल में
राजा राजा कर देने में आपे राजा होए, राजा राजा कर देने मिरांदे, हम आपको शुभकामनाएं दें, इस इंटरव्यू को खत्म करें उससे पहले एक गुजारिश है, और गुजारिश है कि चूंकि सारी फरमाइशें मेरी हो गई तो संभवतः जो कुछ आप सुनाना चाहती रही हो वो छूट गया हो, तो कोई ऐसी चीज जो आप सुनाना चाहती हैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को, रागगिरी के दर्शकों को, जरूर सुनाइए, ये मंच अब आपका है। थैंक यू शिवेंद्र जी, डेफिनेटली मैं सुनाना चाहूंगी एक बहुत ही खूबसूरत चीज जो सावन के ऊपर है, वो आपको सुनाना चाहती हूं। अंब वातले डोला, अंब वातले डोला रख देने हरवा, आई सावन की बहार रे, आई सावन की बहार, रख देने हरवा, आई सावन की बहार रे, आई सावन की बहार रे, अंबवा तले डोला अपने कहने हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मिरांदे, आपने हमारे लिए समय निकाला और ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा मैंने कहा था कि आपका जो ये संगीत पक्ष है वो और सशक्त हो, आपके अंदर जो अलग अलग संगीत की जो अलग अलग विधाएं हैं उनको जो आपका अप्रोच करने का तरीका है वो और मजबूत हो, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन शिवेंद्र जी कि आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया और मेरे म्यूजिक को सुना, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी, इनवाइटिंग मी ऑन रागगिरी, और थैंक यू फॉर योर विशेस, आपके ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया। और मैं रागगिरी को भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ये मंच बहुत बहुत आगे बढ़े और हम जैसे कलाकारों को इसका मौका मिले। थैंक यू सो मच।